सादर नमस्कार साथियों, यह कहानी उस अंग्रेज लुटेरे की है जिसे हेनरी एवरी या कैप्टन हेनरी के नाम से जाना जाता था। कभी कभी गलती से लोग उसे जैक एवरी या जॉन एवरी के नाम से भी जानते हैं। वह एक अंग्रेज समुद्री डाकू, जिसे कि इंग्लिश में पायरेट्स कहा जाता है, था, जो कि 1960 के मध्य में अटलांटिक महासागर में लूटपाट किया करता था। उस समय हिंदुस्तान और दुनिया के बाकी देशों में मुगल बादशाह औरंगजेब की छवि एक कठोर और मजबूत साम्राज्य के बादशाह के रूप में थी और उसकी प्रजा में उसका बहुत खौफ था। परंतु ऐसे समय में भी एक अंग्रेज लुटेरे कैप्टन एवरी ने उसके जहाज पर लूटपाट कर उसकी सत्ता को चुनौती देने का दुस्साहस किया था। समुद्री डाकुओं ने न केवल औरंगजेब के जहाज को लूटा बल्कि बड़ी बेदर्दी से लोगों की क्रूर हत्याएं भी की। इस लूटपाट की घटना से औरंगजेब बुरी तरह से खींच गया और उसने इन लुटेरों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। औरंगजेब अपने सख्त रवैये तथा जनता पर तरह तरह के नाजायज टैक्स लगाने के कारण भी बदनाम था, लेकिन फिर भी उसकी पहचान एक ताकतवर बादशाह के रूप में थी। कहा जाता है कि जितने भी मुगल बादशाह हुए उनमें से सबसे अधिक दौलत औरंगजेब के पास थी। समुद्री व्यापार के लिए उसके पास कई व्यापारिक जहाज भी थे। उनमें से सबसे प्रसिद्ध एक जहाज का नाम गंजे सवाई था। यह जहाज औरंगजेब की अथाह दौलत की गवाही देता था। इस जहाज के द्वारा औरंगजेब खाड़ी के देशों से व्यापार करता था। यह जहाज जब खाड़ी देशों में अपना सामान बेचकर लौटता था तो इतना सोना चांदी हीरे जवाहरात और धन दौलत लेकर लौटता था कि अगर कोई उसे देख ले तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएं। कैप्टन हेनरी के नेतृत्व में उस समय समुद्री डाकुओं ने न केवल हिंद महासागर बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी भीषण उत्पात तथा लूटपाट मचा रखा था। काफी समय से लूटपाट करने के कारण उनके पास बेहिसाब धन दौलत जमा हो गई थी। जब मुगल जहाजों का काफिला धन दौलत से लदा हुआ वहां से गुजर रहा था तो कैप्टन एवरी ने मुगल जहाजी बेड़े का पीछा करना शुरू कर दिया। कैप्टन ने अपने साथी समुद्री डाकुओं को प्रलोभन दिया कि मुगल बेड़े की लूट के पश्चात हर एक डाकू को बड़ा हिस्सा देकर मालामाल कर दिया जाएगा। औरंगजेब मुगलिया सल्तनत का बादशाह था तो कैप्टन एवरी समुद्र का बादशाह था। उसके पास एक छोटा लेकिन बहुत तेजी से चलने वाला फैंसी नाम का समुद्री जहाज था। उसने कई दूसरे डाकुओं के गिरोह को भी प्रलोभन देकर अपने साथ मिला लिया था। कैप्टन हेनरी अपने साथी समुद्री डाकुओं के साथ कई दिनों तक मुगल जहाजी बेड़े की निगरानी और पीछा करता रहा। हालांकि मुगल जहाजी बेड़े की सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद थी, परंतु फिर भी कैप्टन हेनरी और उसके साथी समुद्री डाकुओं की चतुराई और फुर्ती के आगे मुगल जहाजों की सुरक्षा व्यवस्था फेल हो गई। कैप्टन हेनरी और उसके साथी समुद्री डाकुओं ने मुगल जहाजों में न केवल लूटपाट की बल्कि सबसे बड़े व्यापारिक जहाज गंजे सवाई में कत्ले आम मचाया और महिलाओं की अस्मत भी लूटी। इस भयानक लूटपाट को अंजाम तक पहुंचाने के बाद कैप्टन हेनरी और उसके साथी समुद्री डाकू अलग अलग दिशाओं में इधर उधर बिखर गए। यहाँ तक कि कैप्टन हेनरी का भी पता नहीं चल सका कि वह कहाँ चला गया था, उसे जमीन निगल गई थी या आसमान। इधर जब हिंदुस्तान में औरंगजेब को अपने जहाजी बेड़े में लूटपाट और उत्पात की सूचना मिली तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाना स्वाभाविक था, क्योंकि वह विशाल मुगलिया सल्तनत का बादशाह था और चुनौती उसे एक समुद्री डाकू ने दी थी। यह बात उसे नाकाबिले बर्दाश्त हुई। परिणाम स्वरूप उसने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सूरत में स्थापित चारों फैक्ट्रियां बंद करवा दी और ईस्ट इंडिया कंपनी से सभी प्रकार के व्यापारिक संबंध समाप्त कर लिए। उसका गुस्सा इतने से ही शांत नहीं हुआ, उसने कई अंग्रेज अफसरों को भी कारागार में डलवा दिया। औरंगजेब के गुस्से को देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी में अफरा तफरी मच गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने औरंगजेब के गुस्से को शांत करने के लिए औरंगजेब को वह धन जो कि कैप्टन हेनरी और उसके साथी समुद्री डाकुओं ने लूट लिया था वापस लौटाने का वादा किया। इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने
कैप्टन हेनरी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने वाले को 500 पाउंड इनाम देने की भी घोषणा की। लेकिन इस भारी इनाम की घोषणा के बाद भी जब कैप्टन हेनरी पकड़ा ना जा सका तो इनाम की धनराशि दोगुनी कर दी गई। परंतु कहा जाता है कि इस लूटपाट में कैप्टन हेनरी को अथाह संपत्ति प्राप्त हो गई थी और उसने इसके पश्चात लूटपाट करना उचित ना समझा और बाकी जीवन सुख से कहीं एकांतवास में बिताने लगा था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि या तो कैप्टन हेनरी ने किसी एकांत द्वीप यानी कि आइलैंड में अपना ठिकाना बना लिया था, तो वहीं कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि वह भेष बदलकर एक धनी व्यक्ति की तरह इंग्लैंड में रहने लगा था, पर वह पकड़ा नहीं जा सका क्योंकि उसने अपने नाम और पहचान को पूरी तरह से बदल लिया था। बाद में उसके गिरोह के कुछ समुद्री डाकू पकड़ में ज़रूर आए, परंतु वह भी कुछ बताने में समर्थ नहीं थे क्योंकि उन्हें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। देखने तथा सुनने के लिए सादर आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।